I welcome you in the course of leadership, Emotional Intelligence and Decision Making. This is module number 41, and we are going to talk about mindfulness and the changes to what the mind is processing. When we talk about mindfulness, we are also realizing that it is the need of the R, and it is the need which the leader should be understanding. Or a leader keli mindful hona bohat zuru hoga the circumstances ki

और कॉन्टेक्स्ट को बदलने से हम डिफरेंट अदर सिचुएशन में एनालिसिस कर सकते हैं कि इन अदर मल्टी डायमेंशनल आर द एस्पेक्ट वी नीड टू फोकस अपॉन सो कॉन्टेंट और कॉन्टेक्स्ट इन दोनों चीजों के बदलने से वी वुड बेटर बी एबल टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन इन मोर फिजिबल वे लाइक वाइज वेन वी आर चेंजिंग द कॉन्टेंट वेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्टेक्सट एन इंपॉर्टेंट थिंग इज दट समाइम वी हैव टू डाइवर्ट फ्रॉम इमोशनली चार्ज थॉट्स हमें अपनी सोचों को चेंज करना होगा बिकॉज समटाइम्स बिकॉज वो हमारी एनर्जीज़ को ड्रेन कर देती हैं। है वी हैव टू सी वो कौन से एस्पेक्ट्स हैं विच आर एक्चुअली ब्लैकमेलिंग अस इमोशनली और वो चीजें जो हमें इमोशनल ब्लैकमेलिंग में लेकर जा रही हैं हमें उनको विड्रॉ करना पड़ेगा अपनी सोच से सो दैट वी कुड रिमेन माइंडफुल याद रखिएगा कि माइंड का फुल होना

another important thing which you have to focus upon is sustain attention and obviously on the natural content and the natural circumstances because for natural circumstances hamare liye a guiding principle or ka hum chizun ko zada creative or innovative perspective dekh pate hain or soch pate my dear students yad ke we have to sometimes normalize our thinking we have to think positive हमारी एनर्जीज को ड्रेन कर देती हैं। तो वी हैव टू थिंक पॉजिटिव थिंक क्रिएटिव और हमें अपने जज्बात को अपने एहसासात को अपने महसूस को खुद से कॉन्शियस लेवल के ऊपर कोशिश करके नॉर्मलाइज करना पड़ेगा बिकॉज जब तक हम एग्जेजरेटेड चीजों को सोचेंगे जब तक हम इमोशनल एक्सप्लोटेशन में रहेंगे तब तक हमारे लिए सिचुएशन को सही तौर पर अंडरस्टैंड करना मुश्किल होगा द लास्ट बट नॉट द लीस्ट एस्पेक्ट इन दिस माइंड प्रोसेसिंग गेम

ज द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट अ लीडर शुड बी डूइंग सो दैट वो अपने फॉलोअर्स के साथ सही तौर पर इंटरेक्ट कर सके और एक इंटरएक्शन और इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप के साथ चीजों को पाए तकमील तक पहुंचाया जा सके थैंक यू